महोबा जिले में परिवहन विभाग के जागरूकता अभियान बेमतलब साबित हो रहे हैं। जिले में आए दिन हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी चपेट में आने से आ रहा स्कूटी सवार आ गया। इस सड़क हादसे में स्कूटी सवार सरकारी शिक्षक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं सहित तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रेलवे पुल के पास का है, जहां बाबू सिंह निवासी छानी बुजुर्ग थाना विनवार जनपद हमीरपुर बोलेरो में सवार होकर अपने परिजन सरोज और अरु कुमारी के साथ एमपी के छतरपुर से वापस लौट रहा था। जैसे ही महोबा के रेलवे पुल के पास पहुंचा, बोलेरो कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने से सामने से आ रही स्कूटी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें स्कूटी सवार ललितपुर जिले में तैनात सरकारी शिक्षक वीरेंद्र कुमार निवासी रामनगर महोबा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वाहिद अहमद, महोबा, यूपी। रेलवे क्रॉसिंग के पास में टायर फटने से गाड़ी पलट गई। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये शायद छतरपुर के आगे से कहीं से आ रहे थे, ये अपने साथ घर जा रहे थे। हाँ, तो इसके बाद में पता नहीं किसकी गाड़ी बुक करके गए हैं, कौन ड्राइवर, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मरीज था इनके साथ में गया है वो हमारे रिश्तेदार है। कैसी उनकी हालत? और उनकी एक मरीज की तो ज्यादा हालत गंभीर है, उसके हाथ में शायद चोट है, सर में चोट है। कहाँ के रहने वाले, कुछ पता है? ये लोग हमीरपुर के आगे वो छानी गांव है, छानी गांव के। ये छतरपुर रोड पे सड़क दुर्घटना में बोलेरो और स्कूटी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया, जिसका नाम वीरेंद्र है, और बाकी तीन जो है घायल है, जिसमें कि एक सीरियस पेशेंट है जिसको हेड इंजरी है, बाकी जो है सामान्य मरीज है, उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। यहाँ पे किसी को रेफर किया जा रहा है? किसी को यहाँ से, ये सरोज नाम की एक महिला है जिसका वाइफ ऑफ बलवंत, उसको रेफर किया जा रहा है। ये छतरपुर रोड पर जो है न्यू स्टार सिटी पैलेस के पास जो है एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। सूचना पर मैं मौके पर आया हूँ। एक स्कूटी और एक बोलेरो गाड़ी, दोनों गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ। प्रथम दृष्टया टायर फटने का मामला प्रतीत हो रहा है, फिर भी जब तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई विधिक की जाएगी। हाँ, अभी जो है एक जो है जो स्कूटी वाला था उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस है, सिर्फ उसके हेड इंजरी। इसमें जहाँ तक प्रथम दृष्टया तीन या चार लोग घायल है, एक महिला भी घायल है, एक पुरुष जिसके हेड इंजरी है, और एक दो लोग और है। जिला अस्पताल महोबा इनको भेजा गया प्राइवेट वाहन से, शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।